फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म करीब 6 घंटे तक पूरी दुनिया में कल बंद रहे, जिसके चलते अरबों यूजर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये समस्या सोमवार रात करीब 9:15 सामने आई थी। इसके बाद लोगों ने तुरंत ट्विटर पर प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। इस आउटेज का असर अमेरिका बाजार में फेसबुक के शेयरों पर भी दिखा है और कंपनी के शेयर 6% तक गिर गए। बता दें, दुनिया भर में फेसबुक के 2.85 अरब मंथली एक्टिव यूजर हैं, वहीं व्हाट्सएप के 2 अरब और इंस्टाग्राम के 1.38 अरब यूजर हैं। आउटेज की समस्या कई घंटे बीतने के बाद भी बनी रही। ऐसे में लोग न मैसेज भेज पा रहे थे और न ही रिसीव कर पा रहे थे। बताया गया कि कंपनी के सर्वर डाउन होने की वजह से ये दिक्कत आई है। आउटेज ट्रैकिंग कंपनी downdetector.com के मुताबिक दुनिया भर में 1.06 करोड़ यूजर्स ने सर्विसेज बंद होने की शिकायतें दर्ज कराई थी। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तीनों पर मालिकाना हक फेसबुक का है। सर्विस ठप होने के बाद फेसबुक ने कहा है कि कुछ लोगों को ऐप इस्तेमाल करने में दिक्कत हो रही है, हम इसके लिए माफी मांगते हैं, जल्द ही इस समस्या को ठीक कर लिया जाएगा। वहीं व्हाट्सएप की ओर से सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा गया कि हमें पता है कि इस समय कुछ लोगों को समस्या आ रही है, आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। फेसबुक डाउन होने के मामले बहुत कम सामने आते हैं, फिर भी ऐसा होना पूरी दुनिया पर सोशल मीडिया यूजर्स पर काफी असर पड़ता है, क्योंकि तीनों बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के हैं। कंपनी इस तरह के स्लो डाउन के बारे में कोई जानकारी नहीं देती, न ही इसका कोई कारण बताती है। दिक्कत दूर होने के बाद भी कंपनी ये नहीं बताती कि ऐसा क्यों हुआ। 2019 में फेसबुक में अब तक का सबसे बड़ा स्ली डाउन हुआ था। उस समय भी कंपनी ने सिर्फ इतना ही कहा था कि रूटीन मेंटेनेंस ऑपरेशन के दौरान कुछ खराबी आ गई थी, इसे दूर कर लिया गया। तीनों प्लेटफॉर्म के डाउन होने की समस्या एंड्रॉयड, iOS और PC सभी पर दिखाई दी। एक और जहां फेसबुक और इंस्टाग्राम यूजर्स न्यूज फीड को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वहीं व्हाट्सएप यूजर्स कोई भी मैसेज नहीं भेज पा रहे हैं। करीब 6 महीने पहले भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पूरी दुनिया में 42 घंटों तक ठप रहे थे। तब रात 11:05 पर शुरू हुई ये समस्या करीब 11:47 तक बनी रही थी। दुनिया में व्हाट्सएप 5 अरब से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है। पहले भी कई बार सर्वर पर लोड बढ़ने से व्हाट्सएप क्रैश हो चुका है, जल्द ही समस्या को दूर कर लिया गया। इतना वक्त ही अरबों यूजर्स को परेशान करने के लिए काफी था। हालांकि पूरी दुनिया में व्हाट्सएप के क्रैश होने की खबरें कम ही आती हैं।